वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ जो एक जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है टीचिंग एड। ओके, टीचिंग एड जो कि पूछा जाता है ऑडियो विजुअल एड, व्हाट इज टीचिंग एड, इसके बारे में टीचिंग एड का यूज़ क्यों किया जाता है, सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो मैंने एक टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ही बना दिया है। ओके, सो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, देखिए टीचिंग एड, एज वी ऑल नो द टुडेज एज इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एज है। द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड बाई इट। वे टीचिंग अभी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, अभी न्यू इनोवेशन आ रहा है टीचिंग रिलेटेड, जो कि टीचिंग के ऊपर भी। और यहाँ पे देखिए, इससे जरिए हमारा जो टीचिंग लर्निंग भी इफेक्ट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका डिपेंड करता है जो कैसा इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे, बच्चों को कैसे कितना अट्रैक्टिव आप मतलब कितना अट्रैक्टिव आप टीचिंग लर्निंग जो इक्विपमेंट यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और यहाँ पे देखिए नीड ऑफ टीचिंग एड्स, क्यों टीचिंग एड क्यों चाहिए। पहले आपका आपका है एवरी इंडिविजुअल हैज़ द टेंडेंसी टू फॉरगॉट, प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड हेल्प टू रिटेन द कॉन्सेप्ट परमानेंटली। देखिए सभी इंडिविजुअल को मतलब भूलने की एक आदत होती है, अगर प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स किया जाए तो बच्चों को जल्दी याद रहेगा। ओके, ये यूज है टीचिंग एड का। और स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। अगर आप अच्छा है किसी, आप देखिए ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, अगर देखिए जो माउंटेन का चैप्टर सपोज आप वो पढ़ा रहे हैं, तभी आप अच्छे से अगर माउंटेन का प्रॉपर टीचिंग एड बना के ले जाएंगे अच्छे से, तो स्टूडेंट विल मोटिवेट। ओके, स्टूडेंट मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। ओके, याद रखिएगा। देन टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी हियर टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। देखिए टीचिंग एड जब यूज करेंगे तब स्टूडेंट को अच्छे से वो चीज़ के बारे में अट्रैक्ट होंगे पढ़ने के लिए, अट्रैक्ट होंगे। ओके, टीचिंग एड प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। टीचिंग एड क्या करता है, बच्चों को कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के लिए मोटिवेट करता है। द टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो स्टूडेंट है उनके लिए इंटरेस्ट मतलब प्रोवाइड करता है टीचिंग एड। टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। टीचिंग एड क्या करता है, स्टूडेंट के वोकैबुलरी की भी अच्छा करता है। ओके, वोकैबुलरी को भी। एंड टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट समथिंग एंड मेक लर्निंग परमानेंट। टीचिंग एड क्या करता है, लर्निंग को परमानेंट करने के लिए मदद करता है। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट देखेंगे, अगर आप माउंटेन का सपोज माउंटेन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो माउंटेन का ऑब्जेक्ट जब आप देखेंगे बच्चे, तब उन लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्चुलाइज से याद रहेगा। ओके, टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। अगर देखिए टीचिंग एड क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी देता है। ओके, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। सो देखिए नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ टीचिंग एड, देखिए कितने टाइप के टीचिंग एड है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडियो विजुअल एड कौन सा है, और मतलब ऑडियो विजुअल एड कौन सा है, विजुअल एड कौन सा है, तो अच्छे से आप याद रखिएगा। देखिए पहले विजुअल एड्स, ओके, और ऑडियो विजुअल एड्स, और विजुअल एड्स, उसके बाद ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। टोटल तीन प्रकार के हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में देखिए क्या क्या आता है, एड्स विच यूज सेंस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स। जब विजन का सेंस जब आता है तो उसको क्या होता है, विजुअल एड्स बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है विजुअल एड के, देखिए आपका विजुअल एड के एग्जाम्पल, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट, जो चार्ट होते हैं, मैप्स होते हैं, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चौक बोर्ड, ये सब क्या है आपके विजुअल एड्स। याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा विजुअल एड नहीं है और विजुअल एड है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, ये सब क्या है विजुअल एड। ऑडियो एड्स, द एड्स दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, जिससे ऑडियो आता है। ओके, ग्रामोफोन, ये सब हम देख नहीं सकते, इनसे क्या आता है, ऑडियो आता है, तो इन लोगों को बोलते हैं रेडियो। एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है रेडियो, उसके बाद आपका टेप रिकॉर्डर, उसके बाद ग्रामोफोन, याद रखिएगा।
तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड में क्या आता है आपका? अब टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, ओके याद रखिएगा। ऑडियो विजुअल द एड्स विच इन्वॉल्व सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हियरिंग। यहाँ पे विजन भी है और हियरिंग भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ऑडियो विजुअल एड्स बोला जाता है। टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब इनके एग्जाम्पल है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। इम्पोर्टेंट क्या है टीचिंग एड का, ये अच्छे से याद रखिएगा। आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मे बी, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है टॉपिक। टीचिंग एड्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट ऑफ टीचिंग एड्स आर फॉलोज मोटिवेशन। क्या होता है इससे इंपॉर्टेंट क्या है? मोटिवेशन। टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट सो दैट दे कैन लर्न बेटर। ओके, मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाते हैं जब किसी चीज़ का पिक्चर देखेंगे तो उन लोगों को भी इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में। ओके, और देखिए आपका ऑप्शन नंबर टू आपका क्या है? आपका क्लेरिफिकेशन, क्लियर हो जाता है किसी, अगर आप माउंटेन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छे से माउंटेन का पिक्चर ला के दिखाएंगे तो उनको तो ऑटोमेटिक आपका क्लेरिफाई हो जाएगा किसी सब्जेक्ट को। और देखिए आपका अब डिस्करेजमेंट ऑफ क्रेमिंग, जो उनको क्रेम नहीं करना पड़ेगा, अगर वो लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाए तो उन लोगों को क्रेम नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका इंक्रीज द वोकैबुलरी, उन लोगों का वोकैबुलरी बढ़ेगा और सेव्स टाइम एंड मनी, उनका मनी और टाइम भी सेव करेगा। ओके, और देखिए क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव, और क्लासरूम एक्टिव रहेगा, अगर आप टीचिंग एड यूज़ करके पढ़ाएंगे तो उन लोगों को क्लास में एक्टिव रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई पर मन लगाएंगे। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस, टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। टीचिंग एड बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि उन लोगों को अगर किसी ऑब्जेक्ट, माउंटेन या किसी चीज़ का डायरेक्ट जब देखेंगे तो उन लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, तो उन लोगों को पढ़ाई में अच्छा लगेगा। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू। और मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए हैं बीएड के, और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के भी बीएड के भी पेपर प्रोवाइड किए हैं, तो प्लीज़ एक बार आप चेक कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।